भाई सॉरी, चूहे ने एक चूहे को और पकड़ लिया। एक चूहा ये रहा। काम के सबसे तीन बड़े भिखारी। हाँ। सॉरी लीड ना निकाल रहा। हाँ। Hey guys, welcome back to the new vlog episode. तो फिलहाल गाइस सुबह के 7 बज चुके हैं और देखो ये मस्ती कर रहे हैं सारे लोग। कहाँ है हुआ? देखियो। देखो इस छोटी सी गिरास से डर रही है। दिखा दी इसको, दिखा दे। चंद भाई चंद। भगवान खाली बेटा। भाई देखो सृष्टि भगवान खाली है, डर रही है। कुछ कहाँ हुआ? वो कहाँ पे खाओ? क्या आपस में? सृष्टि कहाँ जाना आएगो? अरे मांझे पागल कर रही है। नाची सृष्टि नाच। भाई आज मयंक अपने घर जाने की बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ उससे कल चला जाना, लेकिन ही मान ही रहा। आज ही जाने की कह रहा है। आज जाएगा कल चला जियो? कल चला जियो। बारिश आज तगड़ी 90% बारिश होता है आज की 25 तारीख। आज दोपहर तक पहुँच जाओगे बाबू फिर। लेकिन बारिश आ गई तो फिर क्या होगा? देखो गाइज मेरी तो सलाह यही है कल चले जाएंगे, लेकिन शिवम भी कह रहा है आज जाने की। शिवम छोड़ने जाएगा इसको आज, ये रोज नहीं दोनों जा रहे हैं। आ जाऊं? तो फिलहाल गाइज बाबा जी आ रहे हैं खेत पे से। ये हमारे बाबा जी हैं, पता नहीं क्या कर गए हैं खेत पे, खुरपी लेके आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं गाइज। तो गाइज देखो ये सॉरी लेके जा रहा है चूहा। चूहा है इसमें, देखिए। देखो गाइस सॉरी, चूहे ने एक चूहे को और पकड़ लिया। एक चूहा ये रहा। ले जा ले जा, दूर छोड़ के ये दूर। सॉरी भी ऐसे ही काम करता रहता है। तो फिलहाल गाइस आज बरसात स्टार्ट होने वाली है, तो आज 4-5 लोग ही धान पीटने आए थे और 4 बोरी धान निकले थे। तो मैंने 3 बोरी तो टांगे में डाल दिए हैं, जो कि यहाँ लेने आए थे हमारे खेत में। देखो ऐसे पानी में ही धान कटवाने पड़े हैं यार हमारे को, क्योंकि आज की भी वर्षा काफ़ी ज़्यादा बताई है, इसलिए काम बंद करवा दिया है। फिलहाल बाबा धान इकट्ठे कर रहे हैं, पाल इकट्ठे करके थोड़े से धान ये रहे हैं भर के, फिर टांगे में डाल देंगे ये धान अभी। तो फिलहाल देखो मैं सर पर बोरी रख के ले जा रहा हूँ। क्या हालत हो रखी है मेरी? बरसात आने वाली है बस। छह बोरी धान पे आराम से ले आई। काम के सबसे तीन बड़े भिखारी ये बर्फ मांग रहे। अरे बड़ा आगे भाई, आगे चलो भाई। अरे पैदा बांट रहे हो बिल्ली ओए। आराम। तो फिलहाल अभी घर पहुंच चुके हैं, बोरी उतारनी है घर जाके। फिलहाल गए जान फान तो उतार दिए हैं, अभी सॉरी चूहा मेरे साथ खड़ा है। तो फिलहाल अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि वहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, वहीं जाके बैठेंगे। फिलहाल धान फान तो उतार दिए, बरसात भी आने वाली है। तो फिलहाल गए जो मंदिर में पहुँच चुका हूँ, और मेरे साथ अभी महंगे, क्योंकि ये अभी जरोली से आया था, गया था कपड़े लेने। तो फिलहाल कपड़े लेके आ चुका है और इसलिए सीधा मंदिर पर आ चुका है मेरे को देख के। बाइक पर आया था वैसे तो इसने देखा कि मैं मंदिर में बैठा हूँ, तो मेरे पीछे पीछे ये भी आया आ चुका है। ले आया कपड़े? पेंसिल जला ली पूरे मुंह पे। तो फिलहाल गाइस मैं और शिवम जा रहे हैं खेत पे, क्योंकि वहाँ थोड़े से धान रह गए थे, उनको पीट के आना है।
हमारे भैया धान ही ना होता मेरे। तो फिलहाल गाइस मैं पहुंच चुका हूं खेत पे, क्योंकि थोड़े से धान को पीटना है। और फिलहाल मेरे साथ शिवम भी आया है, ये तो अभी साइकिल से आया, मैं आया था पैदल। तो ये थोड़े से धान है ये वाले, ये वहां से पाल ला के, और ये वहां से ये वाले धान पीटने हैं, क्योंकि ये भीज गए थे तो इनको कोई पीटेगा नहीं, हमको ही पीटने पड़ेंगे। तो फटाफट से इनको पीट देते हैं। शिवम पुलिस कौन की आई? अरे हमारे काम में आई। हाँ मैं लड़ा जा रहा हूँ। अच्छा वो जा रहा होगा सामने। हाँ हाँ लीड काम में। हाँ तो गाड़ी क्या आई भाई? हाँ गाड़ी साथ में लगा कहीं जा। हाँ तो है लीड में निकाल रहा हूँ। हाँ तो तो फिलहाल तो पुलिस वापस आ रही है, तुमको दिखा देता हूँ, मैं जूम लेके दिखा देता हूँ कहाँ गई। देखो वो आ रही, अगर इसने आपकी लीड लगा ली होगी तो पक्का इसको बैठा के ले जाएगी। लगा ली तो देख रहा है पीछे मुड़ गई वो। तो फिलहाल गाइस धान तो हमने पीट दिए हैं, क्योंकि वो दो गड्डी थे, ज्यादा नहीं थे, इसलिए हमने जल्दी जल्दी पीट दिए। और फिलहाल देखो शिवम धान भर रहा है बोरी में, मैंने थोड़ा सा कूड़ा था निकाल के वहां फेंक दिया। और देखो शाम का फिलहाल व्यू देखो कितना मस्त आ रहा है। और फिलहाल गाइस टाइम हो रहा है अभी 7:08। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन अभी कर लो, ताकि हमारे ब्लॉग आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। बाय।